हेलो दोस्तों, आज है गणेश चतुर्थी और गणेश जी हमारे यहाँ पधारे हैं, साक्षात यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने, आपके समक्ष। और मैं भगवान से गुजारिश करता हूँ, जितना मेरा फॉलोअर्स हैं सबका ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहे, सबको अपना ज़िंदगी में नौकरी मिले, सब अपने करियर को एक नया उछाल दे सकें। तो दोस्तों, एक बार भगवान गणेश जी के नाम पर जयकारा जरूर लगाएं, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जी हां, आप जानते ही होंगे, जो भी जॉब सीकर माल्टा जाना चाहते थे उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनको वर्क परमिट आ जाता था, उनको ऑफर लेटर आ जाता था, सब कुछ हो जाता था। लेकिन BFS ग्लोबल में आने के बाद, यानी कि स्लॉट अगर लेना चाहते थे तो स्लॉट नहीं मिल पाता था। लेकिन अब इस महीने से, यानी सितंबर महीने से, सब कुछ बदल सा गया है दोस्तों। पहले बहुत कम वैकेंसी आते थे, बहुत भी प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा VFS का प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो सारा प्रॉब्लम का निपटारा हो चुका है। अब क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या आपको प्रोसेस करना है और क्या क्या नया वैकेंसीज अभी आ गई है, मैं आपको तमाम चीज़ों के बारे में आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना होगा, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, आधा वीडियो देखते हैं, कमेंट करके क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो भैया, अगर आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में कैसे आएगा। तो क्या करना है, आज का वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अब ज़्यादा समय ना गंवाकर मैं शुरू करता हूँ आज का हमारा वीडियो। नमस्कार, मैं हूँ सुकुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल। माल्टा, माल्टा जब से कोरोना गया है तब से माल्टा बूम में आ गया, एकदम हर कोई चाहता है माल्टा जाकर काम करने का, हो क्यों ना। ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने वालों के लिए एक वरदान सा जगह है दोस्तों, जहाँ पर हर कोई जाकर काम करना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनकम अच्छा हो जाता है, यहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, यहाँ पर आपको टिप्स सर्विसर अच्छा मिल जाता है। हालांकि एकोमोडेशन मिलने मुश्किल होता है, लेकिन फ्री फूड कंपनी तरफ से मिल जाता है। लेकिन क्या क्या और मिलता है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि अभी वैकेंसी क्या क्या है, क्या क्या ओपनिंग्स चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अगर आप भी एलिजिबल होते हैं तो ये ओपनिंग्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी है। तो दोस्तों, आप अपना स्क्रीन में देख सकते होंगे, रिक्वायरमेंट फॉर माल्टा, डायरेक्ट सिलेक्शंस फॉर माल्टा होटल और रेस्टोरेंट्स। ठीक है, ये है दोस्तों नेम ऑफ द पोस्ट, वेटर। वेटर फिलहाल अभी 8 पोजीशंस हैं, ठीक है, और सैलरी जो ऑफर कर रही है कंपनी दोस्तों वो है 1040 यूरो। नेक्स्ट है दोस्तों हाउसकीपर, यानी कि रूम अटेंडेंट। रूम अटेंडेंट का जो वैकेंसी है दोस्तों वो है 5 है और इसका सैलरी भी 1040 यूरो है। कॉन्टिनेंटल कुक, कॉन्टिनेंटल कुक का 10 वैकेंसी है और इसका सैलरी जो दोस्तों 1040 यूरो टू 1080 यूरो है। बार्टेंडर का वैकेंसी 15 है और इनका भी सैलरी 1040 टू 1080 यूरो है। और लास्ट में दोस्तों क्लीनर का जॉब है, जिसमें 10 वैकेंसी है और 800 यूरो इसका बेसिक सैलरी है। ये जो सैलरी आपको बता रहा हूँ मैं, ये बेसिक सैलरी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि अगर आप वेटर में अप्लाई करते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए, इसमें स्पेसिफिक लिखा गया है कि आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। बिना डिग्री या डिप्लोमा का आप अप्लाई नहीं कर सकते। तब कर सकते हैं अगर आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल का है, तो आप बिना डिग्री बिना डिप्लोमा का भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। बात करें हाउसकीपिंग का, हाउसकीपिंग का भी सेम रूल्स है। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल का है तो आप बिना होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 21 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके पास होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा होना ही चाहिए। तीसरा जो वैकेंसी है किचन का, ठीक है, कॉन्टिनेंटल कुक का, कॉन्टिनेंटल शेफ का। तो देखिए, इसमें का जो भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आपके पास होटल मैनेजमेंट डिग्री हो ना हो, डिप्लोमा हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको काम करने आना चाहिए। अगर आपको काम आता है तो आपको प्रूफ के तहत वीडियो भेजना पड़ेगा। जो भी आप डिश बनाते हैं, जो भी होटल में आप काम करते हैं, काम करते समय
आपको एक वीडियो लेना है, आपका यूनिफॉर्म, आपका शेप कोट, शेप कैप, सारे चीज़ें रहना चाहिए, आप कैसे अपने स्टेशन में काम कर रहे हैं ये पूरा आपको दिखाना है, तभी जाके आपको लेते हैं। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो प्रॉब्लम नहीं है, होटल मैनेजमेंट अगर आपने किया है वो एक दो साल के एक्सपीरियंस से काम चल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। बात करें बारटेंडर का, तो बारटेंडर जॉब्स के लिए भी दोस्तों आपके पास मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें कंपलसरी आपको होटल मैनेजमेंट डिग्री, डिप्लोमा या बारटेंडिंग का डिप्लोमा कोर्स किए होना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं। इसमें भी वीडियो कंपलसरी है, अगर आप बारटेंडर हैं तो आपको एक वीडियो भेजना पड़ेगा हमें कि आपको फ्लेयरिंग आता कि नहीं आता, आपको मिक्सिंग आता कि नहीं आता है, आपको कॉकटेल मॉकटेल क्या नॉलेज है। जब आप कॉकटेल या मॉकटेल बना रहे हैं, ठीक है, या कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग करते समय का वीडियो बना के हमें भेजना पड़ेगा, ताकि हम क्लाइंट को भेज सकें और आपका सिलेक्शन हो सके। जो आखिरी जॉब है दोस्तों वह है क्लीनर का। क्लीनर जॉब के लिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई जरूरत नहीं है, अगर आप 5th क्लास पास भी हैं तब भी आप इस जॉब के लिए जा सकते हैं। सैलरी मैंने पहले बता दिया था, अब मैं बता देता हूँ आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या आपको मिलने वाली है। तो फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ में आपको फ्री एकोमोडेशन नहीं मिलने वाला है, फूडिंग मिल जाएगा ऑन ड्यूटी, और वहाँ पर जब जाते हैं तो आपको फ्री एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। एकोमोडेशंस के लिए आपको कम से कम तो 300 यूरो आपको खर्च करने होंगे। हालांकि ये जो सैलरी, इसके अलावा आपको जो बेनिफिट है वो बोनस मिलेगा आपको, सर्विस चार्ज मिल जाएगा आपको, और टिप्स मिल जाता है दोस्तों। टिप्स डिपेंड करता है आपका बिहेवियर, आपका सर्विस के ऊपर, ठीक है। तो ये था तमाम जानकारी सैलरी और जॉब्स को लेकर के। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, दूसरा है आपके पास एक्सपीरियंस, तीसरा है आपके पास होना चाहिए आपका ऑल एजुकेशन का सर्टिफिकेट्स, चौथा है आपके पास जो भी आपने काम किया अब तक उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इतना अगर हो जाता है फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आपका इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, फिर आपको आ जाएगा ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आने के बाद आपको आ जाता है वर्क परमिट। वर्क परमिट आने के बाद जो एम्प्लॉयर है वो हाई कमीशन से बात करके आपका स्लॉट डायरेक्टली बुक होगा, ठीक है, क्योंकि स्पेशल वैकेंसीज हैं, ओके तो वहाँ स्लॉट बुक होने के बाद आपको बता दिया जाएगा आपको डायरेक्ट दिल्ली जाना होगा। ये VFS में होना मुश्किल है, इसलिए आपको डायरेक्टली आपका जो वीज़ा स्टाम्पिंग सेंटर है दिल्ली में, वहाँ आप जा करके आपका वीज़ा स्टाम्पिंग होने वाला है। हालांकि इसका जो जनरल प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जैसे आपको वर्क परमिट आ जाता है फिर आपको VFS में स्लॉट बुक करना होता है, स्लॉट बुक करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ जाना होता है, ठीक है। इसके आगे और क्या क्या ज़रूरत है वो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दौरान मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या और ज़रूरत है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को आपको अटेस्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ पर जाने के बाद किससे मिलना होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट माल्टा जॉब, ठीक है। अगर अब भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस, कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। या फिर अब मैंने एक नया चैनल ओपन किया है व्हाट्सएप पे, जहां पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पे जाइए और लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर चैनल को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आप हर दिन अपडेट्स रहें कोई भी जॉब्स को लेकर के, कोई भी रिक्वायरमेंट को लेकर के। मैं हर दिन अपडेट आप लोगों को करने जा रहा हूँ, जो भी वैकेंसीज आएगी, जो भी प्रोसेस होगा, और मेरा हर एक एक्टिविटीज़ का अगर आपको जानना है तो आपको फॉलो करना होगा मेरा व्हाट्सएप चैनल में, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल में जा करके आप मेरे साथ बने रह सकते हैं हर समय हर वक्त। चैनल का नाम है लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर है, फेसबुक पेज का नाम भी लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर है, और अभी जो व्हाट्सएप चैनल है दोस्तों उस नाम भी लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर है। अब तो मैं गुजारिश करूँगा सबसे कि चैनल में बने रहें, चैनल को फॉलो करें और मेरे साथ बने रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।